नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। आज 25 मई है, फ्राइडे का दिन है। राहु काल की बात करें तो 11:10 से लेकर 12:27 तक का समय राहु काल का रहेगा। आप सभी को बता दूं, अगर आप टैरो कार्ड से प्रेडिक्शंस देखें तो हमेशा अपना मून साइन फॉलो करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स हमारे इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आज का दिन बहुत ही खास है। जी हाँ, वाकई में बहुत ही खास है, क्योंकि आज पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है और इसे ज्येष्ठ मास एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी जो होती है सिर्फ अधिक मास में, या ज्येष्ठ मास जिसे हम कहते हैं, जिसे मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो हर 3 साल में एक बार पड़ता है, इस मास में ही आती है। तो इस बार अधिक मास के अंदर एकादशी तिथि पड़ रही है, जिसे पद्मिनी एकादशी आप कह सकते हैं, कमला एकादशी आप कह सकते हैं। बहुत ही खास मुहूर्त है, क्योंकि 3 साल में ये एकादशी सिर्फ एक बार आती है। तो एक तरह से बहुत ही दुर्लभ संयोग इस बार बना है 2018 में। इस साल में, यानी कि आज के दिन में, आप क्या पूजा कर सकते हैं, किस तरह से विधिवत भगवान के उपाय कर सकते हैं, आज ये आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपकी राशियों का हाल के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसके अलावा आज के दिन में दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु की उपासना के लिए तो उत्तम माना ही गया है, लेकिन इसी के अलावा आज गौशाला में जाकर अगर आप डोनेशंस देते हैं तो उसे भी, क्योंकि गौ दान करना या फिर गौशाला में जाकर गाय के लिए दान करना, वो भी एक तरीके का महादान माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी राशियों के साथ। बताती हूँ आपको आपके दिन कैसा रहेगा, इसके अलावा जानेंगे आज कुछ खास उपाय। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है मेष राशि वालों के लिए, एस ऑफ कप्स, एंड द सेकेंड कार्ड इज द रिवर्स ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आज के दिन अगर बात करें पार्टनरशिप्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल आप नहीं बना पाएंगे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, में भी कुछ वाद विवाद की स्थिति बन जाए। किसी भी काम की नई शुरुआत कर लेना लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी में भी आप इंडिविजुअली किसी काम की नई शुरुआत करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ ही में क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करें, टेक्सटाइल में भी आप हैं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, कोई डील्स आप फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो उसमें कुछ चीज़ें बेटर होती हुई नजर आ रही हैं, आपके संबंधों में मधुरता बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन का उपाय रहेगा, आप किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके, क्योंकि उन्हें पीताम्बरी भी कहा जाता है, पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, तो विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके उनको पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर दीजिए। अगर वस्त्र का सामर्थ्य नहीं है तो पीले रंग का एक कपड़ा भी भक्ति भाव से अगर आप अर्पित करते हैं तो वो भी काफ़ी रहता है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए पहला कार्ड जो निकल रहा है वो है एस ऑफ वॉन्स, एंड द सेकंड कार्ड इज सेवन ऑफ पेंटेकल्स। तो मे बी आज काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने के बारे में सोचेंगे, और उसकी वजह से आज आपको कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को दिख सकती हैं, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर भी करेंगे। साथ ही में रिलेशनशिप्स पार्ट में आज आपके संबंधों में कहीं ना कहीं पर जो अभी तक उलझी हुई सिचुएशन थी वो सुलझ सकती है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंसेस में आपके सुधार हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही में घर के बच्चों की सेहत का आज ध्यान रखें। टॉरेंस के लिए आज के दिन का उपाय क्या है कि आज भगवान विष्णु की उपासना करनी है और उनको मखाने की खीर का भोग लगाना है। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की। पहला कार्ड 5 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज 3 of Wands। तो आज सपोर्ट आपको बहुत जगह से मिलने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, सिबलिंग्स की तरफ से मे बी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। आज जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसको लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस आप लोग रहेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। बाहर घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए, उपाय कर लीजिए। आज शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना है, और एक पत्ता तुलसी का सुबह तोड़ कर रख लीजिएगा, शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, सुबह एक पत्ता तुलसी का तोड़ के रख लीजिए, शाम के समय, संध्या काल के समय आपको भगवान विष्णु पर या कृष्ण भगवान पर अर्पित करना है। चलिए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों की। पहला कार्ड निकल रहा है 9 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो आज का दिन लग्जरीज को इंजॉय करने का दिन है, लेकिन लग्जरीज को पाने के लिए आज मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज आपको हर काम के लिए बहुत प्लानिंग से, बहुत योजनाएं बनाकर चलने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि शाम के समय किसी यात्रा को आप लोग अवॉइड करें, ट्रैवलिंग करना अवॉइड करें। आपके लिए छोटा सा उपाय करना है, भगवान कृष्ण की उपासना करनी है, इसके अलावा किसी भी कृष्ण मंदिर में जा करके आपको गेंदे के पुष्प अर्पित करने हैं भगवान कृष्ण के आगे, राधा कृष्ण के आगे। ऐसे करने से रिलेशनशिप्स आपके एक तरह से बेहतर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं लियोस की।
पहला कार निकल रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार इज द हैंग्ड मैन। तो आज स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा लियोस के लिए, कहीं ना कहीं पे आपकी एंजाइटी की वजह से थोड़ी स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। आज कोशिश कीजिए अपने खान पीन में थोड़ा सा संयम रखें। इसके अलावा आप लोगों को आज फाइनेंसिस से जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक जैसे मैंने कहा सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दैट मीन्स आज डिसीजंस तो लेंगे लेकिन उस पर फर्म रहें, उस पर आप स्टिक करें उन डिसीजंस पर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप बहुत ज़्यादा एक तरह से अनस्टेबल, आपके अंदर अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो उसको आपको ठीक करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आज आपको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अपने माथे पर लाल रंग की रोली से तिलक लगा करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बात कर लेते हैं वर्क हाउस की। पहला कार्ड निकल रहा है देयर वाज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए आज के दिन में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए बाहर घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन रहे हैं, मे बी अब्रॉड जाने के लिए आप प्लानिंग करेंगे या फिर आज ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर से बाहर रहेंगे, ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज ध्यान रखना होगा कन्या राशि वालों को कि आप व्हीकल अगर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में भी आज थोड़ी सी सावधानी बरतिए, किसी को भी पैसा दे देना, उधार दे देना, इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। उपाय क्या करना है, शाम के समय आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है, साथ ही में आज के दिन में कुछ ना कुछ डोनेशन आज ज़रूर कीजिए। मे बी आप क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ डोनेशन कर दें, खाने की सामग्री से जुड़ा हुआ दान कर दें, लेकिन किसी नीडी पर्सन को अगर दान दिया जाए तो वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी रहता है। चलिए बात कर लेते हैं लिब्रंस की। पहला कार्ड निकल रहा है द सन एंड द सेकंड कार्ड इज द डेविल। तो आज आप अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं पे दिन की शुरुआत आपकी बहुत सनी और ब्राइट रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आप दिन में आगे बढ़ते जाएंगे थकान और स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। रिलेशनशिप्स के लिए भी थोड़ा परेशान रहेंगे, साथ ही में अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, मे बी जॉब को स्विच ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा परेशान रहेंगे। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने का छोटा सा तरीका बता देती हूँ। आप लोगों को आज भगवान विष्णु की उपासना करनी है, इसके अलावा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के आपको डोनेशंस करनी है। ऐसा करने से माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, साथ ही में जो इनर पीस है आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज एकादशी का दिन है, पद्मिनी एकादशी का दिन है। इसके अलावा भगवान विष्णु की बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है इस बार, क्योंकि ज्येष्ठ मास में इस बार एकादशी पड़ रही है। वैसे ही ज्येष्ठ मास तीन साल में एक बार आता है, इसके अलावा इस बार एकादशी तिथि भी पड़ गई है, तो आज का दिन बहुत ही खास है। दान पुण्य करने का भी महत्व है, इसके अलावा पूजा पाठ करने का भी अपना अलग महत्व है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है स्कॉर्पियंस के लिए द हेरोफेरेंट एंड द सेकंड कार्ड इज द वर्ल्ड। तो आपके लिए आज हर काम में कंप्लीशन दिखाई दे रही है, जो काम अभी तक रुके हुए थे, अधूरे पड़े हुए थे, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। आप कुछ भी नया करने के बारे में सोचेंगे, मे बी नए कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं वो कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर फाइनेंसिस के लिहाज से भी देखा जाए तो दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियंस के लिए छोटा सा उपाय करना है, किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के बांसुरी का दान कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सजिटेरियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है एट ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज द एम्प्रेस। तो आप लोगों को आज डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, साथ ही में प्रोफेशनल लाइफ में आज थोड़ा सा भाग दौड़ भी रहेगी, इसके अलावा मेहनत भी ज़्यादा रहेगी। मे बी अगर आप जॉब को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत समय से प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसके लिए आज कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आप लोगों को जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, वो कुछ राय मशवरा भी देंगे, तो उनकी बातों को अनदेखा करना या अनसुना करना वो बेहतर नहीं रहेगा। कोशिश कीजिए उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद ही अपने डिसीजंस में कीजिए। आप लोगों के लिए आज के दिन का उपाय क्या है कि आपको शाम का समय जो है, कोशिश कीजिए आप अपने घर पर ही शाम का समय बिताएं। इसके अलावा लेवेंडर एसेंस का आज के दिन में प्रयोग करेंगे, साथ ही में आज तुलसी जी में आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए बात करते हैं आपके कैप्रिकॉर्न्स की। पहला कार्ड निकल रहा है द स्ट्रेंथ एंड द सेकंड कार्ड इज द एम्प्रेस। तो आप लोगों के लिए आज आप
कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ। इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए आज दिन की शुरुआत कीजिए, चंदन का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाइए, आपका एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे उसमें कन्फ्यूजन्स नहीं बढ़ेंगी। साथ ही में आज जैसे कि मेहनत ज़्यादा करने का योग भी बन रहा है, किसी भी काम के लिए स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड निकला है, तो ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है उससे बचने के लिए आज आप दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं, दूसरे लोग आपको मदद करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। आज आपके घर के बच्चों की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं एक्वेरियंस की, पहला कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप लोगों के लिए हर चीज़ें आज कंटिन्यू रहेंगी, किसी तरह का कोई डिले या किसी तरह का कोई हॉल्ट उसमें नहीं आएगा। साथ ही में आज आपको बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है क्योंकि आज कई सारे लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो कि आपको कुछ गलत एडवाइस कर सकते हैं, कुछ गलत आपसे कह सकते हैं, उनकी बातों से अगर आप प्रभावित होंगे तो आपके काम करने के तरीके पे भी उसका असर पड़ेगा, इसके अलावा आपके काम पर भी उसका असर पड़ेगा। तो ध्यान रखिए आज आप डिसाइड टू बी हैप्पी टुडे। एक्वेरियंस के लिए आज के दिन का उपाय क्या करना है, सुबह उठ करके सूर्यदेव की उपासना करनी है, इसके अलावा किसी भी विष्णु मंदिर में उनकी रिनोवेशन के लिए, मंदिर की रिनोवेशन के लिए आज कुछ डोनेशंस देनी है। चलिए बात कर लेते हैं आखिरी राशि पाइसेंस की। पहला कार्ड निकल रहा है टेन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ वंड्स। तो आप लोगों को आपके काम करने में आज तेजी आ सकती है, मे बी एनर्जी लेवल्स आपके बहुत हाई रहेंगे। साथ ही में आपके घर के जो बच्चे हैं, आपकी कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो आज कुछ एडवाइस कर देंगे आपको जो कि अनएक्सपेक्टेड रहेगी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पाइसेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। साथ ही में कुछ हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के प्लान्स भी बना सकते हैं आप लोग। पाइसेंस के लिए छोटा सा उपाय, आज भगवान विष्णु का दिन है क्योंकि एकादशी का दिन है, इसके अलावा आज कोशिश कीजिएगा चावल खाना आप लोग अवॉइड करें, नहीं तो अनस्टेबिलिटी आपके माइंड में, आपके थॉट्स में बढ़ जाएगी। साथ ही में कोशिश कीजिए मखाने की खीर बना करके, केसर युक्त खीर बनानी है आपको, वो भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके आप दान कर दीजिए, बाहर जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनको डोनेट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, और कल भी लेकर आऊंगी ऐसे ही आपकी राशियों का हाल, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।